दोस्तों हिमालय कंपनी का गैसेक्स सिरप दवाई है पेट में बनने वाली गैस की समस्या, पेट में आने वाला अफारापन। गैस बहुत ज़्यादा भर जाने के कारण पेट बहुत फूला फूला और टाइट हो जाता है। उसके अलावा इनडाइजेशन की समस्या में इस गैसेक्स सिरप का यूज़ किया जाता है। वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस मेडिसिन में मिलाई गई जड़ी बूटियाँ, इसकी सेवन मात्रा, सेवन विधि और सावधानियों के बारे में। अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हिमालय कंपनी के इस गैसेक्स सिरप के साथ में। 100 ml की पैकिंग में ये बोतल आती है। और बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर में मुख्य रूप से जीरा मिलाया जाता है। जीरे के अलावा त्रिकटू चूर्ण के घटक द्रव्य अर्थात पिपली, शुंठी और मरीच का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पुदीना, सौंफ इसके अंदर मिलाई जाती है, छोटी इलायची, अजमोदा, धनिया और हरिद्रा का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी कंडीशन कुछ खाने के बाद अथवा खाली पेट ही, यदि पेट में गैस बन रही है और पेट में आ जाता है अफारा, ऐसी कंडीशन में रोगी अपने आप को बहुत बेचैन फील करने लगता है और अनकंफर्टनेस की वो फीलिंग रोगी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ऐसी कंडीशन में एक फर्स्ट एड मेडिसिन के तौर पर, एक बहुत अच्छा रिलीफ देने वाली रेमेडी के तौर पर इस गैसेक सिरप का सेवन किया जा सकता है। इनडाइजेशन की समस्या हो, आपने कुछ खाया वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो पेट में ही रखा हुआ है, नीचे नहीं उतर रहा है, ऐसी दिक्कत में भी यह गैसेक सिरप आपको जो है बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा छोटी मोटी एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी इस गैसेक सिरप का सेवन किया जा सकता है। बात करें यदि इसकी सही मात्रा के बारे में, तो यह मेडिसन बच्चों को, जो बच्चे 3 साल से लेकर के और 8-9 साल तक की एज में हैं, उनको 1 ml से लेकर और अधिकतम 5 ml तक की मात्रा में दी जा सकती है। 8 साल से लेकर 14-15 साल की आयु तक के बच्चों को यह 5 ml से लेकर 10 ml तक की मात्रा में दी जा सकती है। और नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए इसकी जो सही मात्रा है वो 10 ml होती है। इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है यह 5 ml का होता है, अर्थात 2 ढक्कन दबाई और उसको 2 या 4 ढक्कन गुनगुने गर्म पानी के साथ में मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। इस मेडिसिन को दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, 3 बार सेवन किया जा सकता है, अधिकतम बहुत ज़्यादा परेशानी होने की कंडीशन में मैक्सिमम 4 टाइम्स इन ए डे आप इसको सेवन कर सकते हैं। बात करें इसकी सेवन काल में सावधानियों के बारे में, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यह गैस और अफारा आने की मेडिसिन है, तो आपको ऐसे किसी भी आहार के सेवन से बचना चाहिए कि जो पेट में बहुत देर के बाद हजम होता हो, जिनके खाने के बाद में गैस आपको विशेष रूप से बनती हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा मैदा पड़ा हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा केमिकल पड़ा हुआ जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इस मेडिसिन की ओवरडोजिंग करने से आपको बचना चाहिए। उन सब के अलावा सेवन करने से पहले किसी भी मेडिसिन के बारे में एक सबसे कॉमन प्रिकॉशन कि जब भी आप सेवन कर रहे हैं इसकी एक्सपायरी डेट को आप जरूर चेक कर लीजिए। बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो बोतल आती है 200 ml की पैकिंग में आती है और 200 ml इस दवाई की कीमत इसके ऊपर लिखी होती है, जो 85 रुपीज़ आपको पड़ती है आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से। आप इस गैसेक सिरप को आसानी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यह मेडिसिन ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ऑर्डर करके अपने घर पर होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी इस गैसेक सिरप को यूज़ किया हो, कैसा इसका रिजल्ट रहा, फीडबैक के तौर पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक कीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन अथवा प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।